नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते इंडिया में। हर साल आम बजट छपने की प्रक्रिया शुरू होने पर वित्त मंत्रालय हलवा उत्सव आयोजित करता है। बड़ी सी कड़ाही में तैयार होने वाला हलवा कड़ी मशक्कत कर बजट तैयार करने वाले वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बांटा जाता है। पहले देश का आम बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे पहली फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरू की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग औद्योगिक कर्मचारी और कृषि संगठनों के साथ बजट पूर्व चर्चा पूरी कर चुकी हैं और अब वे 1 फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट भाषण पढ़ना शुरू कर देंगी। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बजट से जुड़ी कई जरूरी और दिलचस्प बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस बार के बजट का लेखा जोखा। ऐसे में इस बार का बजट पेश होने से पहले आपके लिए ये बात जान लेना जरूरी है। वैसे भी इस साल का बजट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में नरमी है। वहीं सरकार का राजकोषीय घाटा भी 10.76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बजट की गोपनीयता। हलवा उत्सव के तुरंत बाद बजट प्रक्रिया में शामिल होने वाले वित्त मंत्रालय के कर्मचारी और अधिकारियों का अपना परिवार और दुनिया से संपर्क खत्म हो जाता है। वे तब तक नॉर्थ ब्लॉक में रहते हैं जब तक कि लोकसभा में बजट पेश नहीं हो जाता। वे अपने परिवार से फोन या किसी और संचार माध्यम जैसे कि ईमेल, एसएमएस इत्यादि से संपर्क नहीं कर सकते। वित्त मंत्रालय के कुछ शीर्ष अधिकारियों को ही घर जाने की अनुमति होती है। फोन कॉल पर बैन। फोन कॉल इत्यादि को ब्लॉक करने के लिए मोबाइल फोन जैमर लगाए जाते हैं। कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों का इंटरनेट कनेक्शन भी बंद कर दिया जाता है। फोन कॉल सिर्फ लैंडलाइन से की जा सकती है और उसकी कड़ी निगरानी होती है। क्या है आर्थिक सर्वेक्षण? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का मुख्य वार्षिक दस्तावेज होता है। मंत्रालय के तहत काम करने वाला आर्थिक मामलों का विभाग हर साल बजट पेश होने से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण को पटल पर रखता है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में इसे तैयार किया जाता है। असल में बीते वित्त वर्ष का देश का हिसाब किताब होता है। ये पिछले 12 महीनों में देश के आर्थिक प्रदर्शन का ब्यौरा होता है। क्या है बजट भाषण? वित्त मंत्री संसद के बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को बजट पेश करती हैं। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार बजट सत्र अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ होगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा और पहली बार होगा कि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी, तब देश के सांसद 3 अलग अलग जगहों पर बैठेंगे। वे सभी राज्यसभा, लोकसभा और संसद के केंद्रीय कक्ष में बैठेंगे। बजट तैयार करने की टीम में कौन कौन शामिल है? इस बार देश का बजट बनाने में वित्त सचिव एबी पांडे, आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे, वित्त सेवा सचिव देवाशीष पांडे, व्यय सचिव टीवी सोमनाथन और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और मंत्रालय के अन्य कर्मचारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मदद करेंगे। नमस्ते इंडिया।